लखनऊ में चेकिंग के दौरान कार ने पुलिसकर्मी को रौंद दिया है। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको, पुलिसकर्मी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने दोनों लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हसनगंज थाना इलाके में चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। तो लखनऊ में चेकिंग के दौरान एक कार ने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया है, जिसमें पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें आपको, इस हादसे में पुलिसकर्मी की दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, चेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिसकर्मी के दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया है। हसनगंज थाना इलाके में चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ। तो लखनऊ में चेकिंग के दौरान कार ने पुलिसकर्मी को रौंद दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गया। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बता दें आपको, पुलिसकर्मी के दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने दो लोगों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हसनगंज इलाके में चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ। तो चेकिंग वहां पर पुलिसकर्मी कर रहे थे और इसी दौरान एक कार ने पुलिसकर्मी को रौंद दिया, जिसमें पुलिसकर्मी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। गंभीर हालत में है पुलिसकर्मी, जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर जालौन में देर रात बस बाजार में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में करीब 50 दुकानें आ गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में आधी रात को एक चलती पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। राहगीरों की माने तो बाइक पर 2 युवक सवार थे। बाइक जब बदायूं रोड पर पहुंची तो अचानक बाइक में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पानी और रेता डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं बाइक में आग लगने के बाद बाइक सवार दोनों लड़के बाइक छोड़कर फरार हो गए। तो देखा, स्टार्टिंग हुई थी आग की उसी समय पे, और लड़कों ने बेचारों ने बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से बुझाने का आग के लिए, और पानी मिट्टी वगैरह से डाला उन्होंने, बोरी वगैरह से फट्टे से बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसके लिए। आप फोन करने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया, लेकिन लड़कों ने उसने बेचारे ने मैंने उसको बोला था कि आप फायर ब्रिगेड को फोन करिए, और लड़कों ने फोन भी किया, लेकिन शायद नो रिप्लाई हुआ नंबर, वहाँ पर फोन नहीं उठ पाया वहाँ पे। उधर बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना में एक परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही कार खड़ी ट्रक में घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। खुर्जा के पॉटरी फैक्ट्री के मालिक राजेश सैनी अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और भतीजे के साथ हापुड़ के सपनावत में साईं बाबा मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत इस दर्दनाक सड़क हादसे में हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बता दें आपको कि साईं बाबा के दर्शन करके सभी लोग लौट रहे थे और इसी बीच हादसा हो गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। उधर शामली में रफ्तार ने 3 युवकों की जान ले ली। सदर कोतवाली क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक में आग लग गई, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक को छोड़कर चालक फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प हो गई। दोनों हाथापाई भी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें आपको, इस सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक ने आग पकड़ ली, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें आपको, इसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प भी हो गई, हाथापाई भी हो गई। शव को ले जाने से लोग मना कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस और झड़प हुई, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में जमकर।
एक ट्रक से एक मोटरसाइकिल पे तीन सवार जो युवक थे उनकी टक्कर हुई, जिससे उनकी तीनों की मौके पर ही डेथ हो गई है। तीनों बॉडीज को हमने यहाँ से उठवा के पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा रहे हैं और ट्रक का जो ड्राइवर है वो भाग गया है, ट्रक भी हम लोगों ने पकड़ लिया है, इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलिया में इन दिनों अपराध चरम पर है। बलिया पुलिस ने एक अंतर्राज्य गिरोह के चार शातिर अपराधियों को असलहे और जिंदा कारतूस के साथ हल्दी थाना क्षेत्र के जवही दियर से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन पर हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों का आतंक यूपी सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी है। कई राज्यों की पुलिस को इन शातिर अपराधियों की तलाश थी। शातिर अपराधी सुरेंद्र सिंह, अनुरेश दुबे, दयानाथ यादव और जितेंद्र कुमार यादव हैं। इन पर कई नामी गिरामी हस्तियों से रंगदारी वसूलने का आरोप है। इन शातिर अपराधियों को स्वाट टीम और हल्दी थाना की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। चार साथियों के साथ पकड़ा गया, जिसमें एक अदद राइफल फैक्ट्री मेट 315 बोर की, एक डबल बैरल बंदूक फैक्ट्री मेट 12 बोर की और दो अदद देसी तमंचा 12 बोर, 10 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 7 अदद जिंदा और खोखा कारतूस 12 बोर के, 3 मोबाइल फोन, 2000 रुपया नगद इनके पास से बरामद हुआ है। उधर गाजीपुर जिला जेल से दीवार फांदकर एक कैदी के फरार हो जाने से जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल सैदपुर थाना क्षेत्र के भीमापार गांव का रहने वाला आलोक राम अपने तीन साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बना रहा था। कल शाम ये तीनों जेल की दीवार कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी बंदी रक्षकों ने इन्हें देख लिया और तीन कैदियों को पकड़ लिया, जबकि आलोक राम भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आलोक राम धोखाधड़ी के मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद था। तो गाजीपुर जेल सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जेल से चार कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से तीन को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक कैदी भागने में कामयाब रहा है, जिसके बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिला कारागार गाजीपुर से चार जो बंदी इसमें बंद थे, इन्होंने योजना बनाई भागने की। तीन बंदी तो वो देख लिए गए जिला कारागार के ही बंदी रक्षकों के द्वारा और अन्य कैदियों द्वारा, उन्हें नोटिस कर लिया गया तो वो पकड़े गए। एक बंदी भागने में सफल रहा। वो बंदी का नाम जो अभी तक प्रकाश में आया है वो आलोक नाम का एक बंदी है, जो ये टीम बना के चेकिंग कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के मूवमेंट पर दूरी के आधार पर रेल फ्रेट सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कल भेजे गए पत्र में अवगत कराया है कि पिछले 13 मई को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नई उर्वरक नीति 2015 में फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के मूवमेंट प्लान को मुक्त करते हुए रेल फ्रेट सब्सिडी को लंपसम आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नए नियम से उर्वरकों के दामों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पोटेशिक और फॉस्फेटिक उर्वरकों के प्लांट उत्तर प्रदेश से अधिक दूरी पर हैं। लंपसम आधार पर रेल फ्रेट सब्सिडी दिए जाने से उर्वरक कंपनियां प्लांट के नजदीक के राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति में प्राथमिकता देंगी, क्योंकि उनको रेल फ्रेट सब्सिडी दूरी के आधार पर नहीं बल्कि एक मुश्त आधार पर प्राप्त होगी। जेल में बंद जालसाज सपा नेता शैलेंद्र अग्रवाल की पूर्व डीजीपी से नजदीकियां उजागर हुई हैं, जिसका खुलासा हुआ शैलेंद्र के घर से मिले दस्तावेजों से। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का बहुत बड़ा खेल चल रहा था आगरा में। दलालों के चक्कर में फंसे इस विभाग की कहानी अब सबके सामने है। SMS और व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल चलता था, कोड वर्ड में बात होती थी। पूर्व DGP अमरीश चंद्र शर्मा और ए बनर्जी इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे और अब जेल में बंद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताने वाला जालसाज शैलेंद्र अग्रवाल उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश करता था। जो इंट्रोगेशन टीम है
वो मैंने आपको कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि आईओ जो होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन तब तक पूरी जब तक पूरी नहीं कर लेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस मामले को शेयर करना ठीक नहीं। पूर्व डीजीपी अम्बरीश शर्मा ने शैलेंद्र अग्रवाल के व्हाट्सएप पर चार अलग अलग बैंकों के खाते दिए थे। यही नहीं, पूर्व डीजीपी अम्बरीश शर्मा और ए बनर्जी के मोबाइल पर शैलेंद्र अग्रवाल ने भी कई एसएमएस किए जिनमें कई इंस्पेक्टर दारोगाओं के पोस्टिंग का जिक्र है। जो बात सामने आई थी वो थी कि जैसे उनका जो भी बिजनेस रहा होगा उसके लिए वो पैसे लेते थे और उसमें लगाते थे। पुलिस शैलेंद्र अग्रवाल के घर से कई हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद कर चुकी है। पैसे के लिए तरह तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। अब धीरे धीरे इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है और इसी के साथ जुटाई जा रही है वो तमाम बातें जिससे आगे भी कोई दिक्कत ना हो। आगरा से शिव चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल को कैसे अंजाम दिया गया, जासूस शैलेंद्र अग्रवाल उस दौरान पूर्व डीजीपी को क्या एसएमएस किया था, इसे देखते हैं। तो एसएमएस के जरिए ये पूरा खेल चला करता था। एसएमएस किया जाता था शैलेंद्र और पूर्व डीजीपी के द्वारा, दोनों एसएमएस के जरिए ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन थे उसको शेयर करते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा काला खेल चला करता था। बता दें आपको, पूर्व डीजीपी ने अपने कई बैंकों के अकाउंट नंबर भी शैलेंद्र को मैसेज किए हैं, एसएमएस के जरिए उन्हें बताए हैं। व्हाट्सएप और मैसेजिंग के जरिए ये पूरा काला खेल चला करता था। बता दें आपको कि कई जो ट्रांसफर हैं पुलिस के वो भी इसमें दिए गए हैं। पत्रकार जगेंद्र सिंह हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में अभी तक कोतवाल श्री प्रकाश राय और मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मंत्री राममूर्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है? आखिर राममूर्ति को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? जगेंद्र के परिजनों ने भी राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं जगेंद्र सिंह के परिजनों पर बार बार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पत्रकार जगेंद्र सिंह की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत हुई थी और मरने से पहले उन्होंने कोतवाल मंत्री राममूर्ति समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की मौत पर पत्रकारों को का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के सभी पत्रकारों ने एक बार फिर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के साथ ही परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों के साथ अभद्रता करने की कोशिश की। दरअसल पत्रकार जगेंद्र सिंह के मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस की हीला हवाली से नाराज जनपद के सभी पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। डीएम को ज्ञापन देने जा रहे पत्रकारों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट एपी श्रीवास्तव ने अभद्रता की। वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच के तहत दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, ये हमारी मांग है और जब तक ये हो नहीं जाता जब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं लखनऊ के हजरतगंज के प्रतिष्ठित होटल क्लार्क अवध के सीईओ पर होटल की कर्मचारी युवती ने अश्लील मैसेज भेजने और विरोध करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि सीईओ अशोक अग्रवाल ने पहले उसके मोबाइल पर अश्लील एसएमएस भेजे और रिलेशन बनाने का दबाव बनाया। युवती ने इस मामले में महिला थाने की एसओ की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। युवती का आरोप है कि पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई ना करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि होटल क्लार्क राजधानी का नामचीन होटल है, यहां बड़ी बड़ी शख्सियत ठहरती हैं। ऐसे में ये आरोप होटल की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। नंबर लेके मेरे को मैसेजेस वगैरह करने लगे, मैं इग्नोर कर दी कि हाँ मतलब कर रहे हैं। फिर मैं समझाई उनको कि हाँ मेरे पे मत करिए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझे। उसके बाद उन्होंने एक लड़का हायर किया, प्रशांत सिंह उसका नाम था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत बदसलूकी की, जो कि मैं बोल नहीं सकती। फिर कहते हैं कि आपका मैं बहुत नखरा देख लिया, अब आप सीधे बताओ मेरे रिलेशन में आओगी कि नहीं। मैंने कह दिया मैं जॉब छोड़ सकती हूँ लेकिन ये गंदा काम नहीं कर सकती। अशोक का नाम क्या है? अशोक अग्रवाल। आप अगर मतलब रिलेशन में नहीं आते तो अभी आप मेरा पावर नहीं जानती हैं, आप घर तक नहीं पहुँचा पाएंगे, आपको उठवा लिया जाएगा, आपको जान से मार देंगे।
लखनऊ के आशियाना इलाके में बेरोजगारों से ठगी का एक और मामला सामने आया है। आशियाना थाने के ठीक सामने पिरामिड डेवलपर एंड बिल्डर्स कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के मालिक पर ठगी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कंपनी के सामने जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के संचालक और उसके सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ठगी के शिकार लोगों का कहना है कि नौकरी के नाम पर पहले उनसे 100 रुपए रजिस्ट्रेशन लिए, फिर सिम के नाम पर और 250 रुपए लिए गए और अब काम के बदले वेतन मांगने पर नौकरी छोड़ने को कहा गया। लोगों का कहना है कि कंपनी मालिक के पास कंपनी का कोई दस्तावेज भी नहीं है। वहीं आरोप है कि कंपनी मालिक अपने आप को सपा नेता बता रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं पिरामिड डेवलपर्स के लिए काम कर रही थी, बट जब सडनली पता चल रहा है इनके पास ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ना ही एग्रीमेंट है किसी भी चीज़ का। इन्होंने बोला कि हमारी फ्रेंचाइजी दी गई है तो बैंगलोर से, बट उस फ्रेंचाइजी का भी कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके पास, तो किस बेस पे हम लोग काम करेंगे? अब सैलरी के लिए बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं देंगे। बिल्कुल रुद्र प्रताप पाल ने कि हम लोगों को सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं। और इसके बाद आज जब हम लोगों ने कहा कि आज दिखाएंगे तो उन्होंने नहीं दिखाया। फिर उसके बाद तुम लोग को जो करना है कर लो, हम तुम लोगों के पैसे नहीं देंगे। बरेली में लस्सी की दुकान से चिंगारी सुलगी। अमन पसंद शहर में एक बार फिर से बवाल हुआ और दो गुट आमने सामने आ गए। शहर की शांति को एक बार फिर से भंग करने की कोशिश की गई। पथराव के साथ साथ कई राउंड फायरिंग की गई और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बरेली के अमन को ये किसकी नजर लगी है? एक बार फिर यहाँ की फिजा में किसी ने जहर घोलने की कोशिश की। प्रेमनगर के बानखाना मोहल्ले में एक बार फिर लस्सी की दुकान पर लस्सी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और फिर जमकर बवाल हुआ। बवालियों ने शहर में एक बार फिर अशांति फैलाने की कोशिश की। इस दौरान बवालियों ने घरों में घुसकर महिलाओं और लड़कियों से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, बवालियों ने पथराव और कई राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद फौरन पुलिस हरकत में आई और पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर बानखाना मोहल्ले में दही की दुकान है, ईशान रजा और अहमद रजा दो थे, और दही का जो बर्तन होता है जिसमें दही जमाया जाता है उसको रखने को लेके विवाद हुआ। दोनों लोगों को पकड़ लिया गया और बाद में दोनों फर्क के जो थे कि रिश्तेदार वगैरह वो आ गए और उन्होंने आपस में झगड़ा कर दिया। फायरिंग की सूचना आ रही है? फायरिंग तो नहीं की गई, लेकिन ये बात सही है कि कहीं कहीं जो है इजत है की गई। तो इसमें कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या कार्रवाई होती है? अब इसमें 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं, हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं, बाकी दबिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी लोग रहे होंगे जिन्होंने इस तरह का विवाद पैदा किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। अभी बीते दिनों भी यहीं पे बवाल हुआ था और अभी फिर बवाल हो गया, इसको लेकर के क्या है? ये आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों जगह दूर हैं। जहाँ पे पहले बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, वहाँ भी विवाद बहुत छोटी सी बात पे हुआ था, पान खाने को लेकर हुआ था। और यहाँ भी आप देख रहे हैं वो जगह और ये जगह में फर्क है, क्योंकि जगह का नाम पान खाना है इसीलिए लग रहा है, लेकिन दोनों प्लेस अलग है और इसमें समुदाय भी अलग है। वहीं मुरादाबाद के कंप्यूटर शोरूम में एक महिला चोर अपने 4 साथियों के साथ चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। इस महिला चोर का चोरी करने का तरीका इतना शातिराना है जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। स्मार्ट ग्राहक बनकर आए इन शातिर चोरों ने शोरूम मालिक और कर्मचारियों को खरीदारी के बहाने बिजी रखा और एक महिला ने अपनी साड़ी के अंदर लैपटॉप रख लिया और फिर सभी अपने काम को अंजाम देकर चलते बने, लेकिन उनकी सारी करतूत को शोरूम में लगे कैमरों ने कैद कर लिया। दुकान के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी शिकायत मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये शातिर महिला किस तरीके से लैपटॉप जो उसके बराबर में रखा है उस लैपटॉप को चुपके से अपनी साड़ी के अंदर रख लेती है और उसके बाद दुकान से चलती बनती है। मुझे प्राप्त हुई है जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि महिला पे जो उनके यहाँ कस्टमर बनकर के आई और दिन में वो कंप्यूटर और मोबाइल फोन देखने के बहाने एक सोने का लैपटॉप अपने कपड़ों में छिपा के ले गई। ये जैसा उनका कहना था सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसकी हम गहराई से जांच करेंगे, उस महिला की पहचान करेंगे और उसके अनुसार इसमें हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे और लैपटॉप बरामद करके उसको जेल भेजेंगे अगर
इसमें सच्चाई है।